हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था और अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होते हैं। वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन को कहते हैं वर्ण, और विच्छेद विच्छेद यानी अलग अलग करना। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी? विच्छेद का अर्थ अभी हमने बताया था कि अलग करना, यानी किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नीला, अब नीले शब्द का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? न के नीचे हलंत लगाया तो ये आधा न कहलाएगा। तो न प्लस बड़ी ई प्लस ल प्लस आ, ये हुआ नीला, क्योंकि न में बड़ी की मात्रा लगी है तो ये हो गया नी, और ल में आ की मात्रा लगी है तो हमने यहाँ पे आ लिखा। तो शब्द वर्ण विच्छेद हो गया इसका, नीले का। आगे हम देखेंगे वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्रा को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उसके वर्ण को प्रयोग में लाया जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने योग्य बातें, तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को समझना चाहिए, स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, अनुस्वार तथा अनुनासिक का अंतर समझना चाहिए, आ यानी आगत ध्वनि को समझना, रु तथा रु के अंतर को समझना, री एवं री के अंतर को समझना, और आखिरी है र के रूपों को समझना। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए तभी हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को समझना। अब आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने स्वर और व्यंजन के बारे में देखा था, यानी स्वर कौन से होते हैं, आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। और व्यंजन, व्यंजन क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह, ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं। तो हमें हिंदी वर्णमाला को हमने समझा। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन श त्र ग और श्र, ये हमारे चार अक्षर जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है, और अयोगवाह अंग अह ये हमारे स्वर है। अब दूसरा हम देखेंगे कि हमें स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। तो स्वरों की मात्राएं हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मात्राएं लगाना हम बचपन से जब फर्स्ट क्लास से हम सीखते आए हैं। तो अब यहाँ पे ये है, यानी कि ये आ की मात्रा है और ये छोटी की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा, ये छोटे उ की मात्रा और ये बड़े उ की मात्रा, ये ए की मात्रा और ये ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। तो ये हमारे स्वरों की मात्राएं हैं, हमें इनका ज्ञान होना चाहिए तभी हम आगे वर्ण विच्छेद कर सकेंगे। अब तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है, हमें स्वरों की मात्राओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा अ, यानी ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, आ की मात्रा कैसे होगी, जैसे क में आ की मात्रा जोड़ी तो ये हो गया का। ई, ई में अभी हमने देखा मात्राएं, यानी कि क में ई की मात्रा लगाई तो ये हो गया की। इसमें बड़ी ई में
क में बड़ी ई की मात्रा लगाए तो ये हो गया की। आगे ऊ, ऊ में बड़े ऊ की मात्रा हमने लगाई तो ये हो गया कू, और ऊ में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो ये हो गया कू। अब देखिए री, रस ऋषि, इसमें मात्रा नीचे लगती है री, यानी ये हो गया क्रे। अब ए, ए में ऊपर एक मात्रा लगी तो ये हो गया के, ए, ए में मात्रा लगी दो तो ये हो गया कै, ओ में मात्रा लगी क के ओ तो ये हो गया हो, औ में क की मात्रा औ लगी यानी औ की मात्रा लगाई तो ये हो गया कौ। तो ये था हमारे स्वरों की मात्राओं का ज्ञान। आगे हम स्वरों की मात्राओं का ज्ञान देखेंगे। जैसे क, हमने बताया क में मात्रा ये आधा हलंत लग रहा है नीचे तो ये क आधा है। अब हम इसमें जब ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरी तरह से क बन जाएगा। ये ऐसे ही नीचे क, क में हलंत लगा हुआ है यानी कि ये सारे क जिसमें हलंत लग रहे हैं ये सब आधे हैं। इसमें हम जब मात्राएं स्वर और स्वर जोड़ेंगे तो ये मात्रा से शब्द बनेगा, अक्षर बनेंगे। अब जैसे क जमा ई तो ये क्या हुआ की, क जमा ऊ तो ये हुआ कु, क जमा री तो ये हो गया क्री, क जमा ए तो ये हुआ के, क जमा ओ तो ये हुआ को, क जमा आ तो ये हुआ का, क जमा ई तो ये हुआ की, क जमा ऊ तो ये हुआ कू, क जमा री तो ये क्या हुआ क्री, क जमा ए तो ये क्या हुआ के, क जमा ओ तो ये हुआ कौ। ठीक है, ये तो हमारी हमने स्वरों की मात्राओं का ज्ञान किया। अब हम देखेंगे अनुस्वार तथा अनुनासिक का अंतर हम समझेंगे। अनुस्वार में ऊपर एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर बिंदी होती है, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होती है, तो इसके बीच में हम अंतर समझेंगे। जैसे हंस है में अंक की बिंदी है तो ये हुआ हंस, तो इसके हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, जैसे हमने भी मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया। अब इसी तरह से हम इसको है, क्योंकि है में आधा हम लिखेंगे हलंत लगाए इसमें तो ये है जमा, क्योंकि इसमें ऊपर अंक की मात्रा लगी है तो यहाँ पे लिखेंगे अंग जमा से हलन जमा ए तो ये क्या हुआ हंस। इसी तरह से अब चंद्र बिंदु वाला हम देखेंगे हंस, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, है जमा अंग जमा से जमा ए तो ये क्या हुआ हंस। ठीक है, ये हुआ हमारे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द में अंतर। अब आगे हम देखेंगे अ, इसे हम आगत ध्वनि को कहते हैं, तो आगत ध्वनि को हम समझेंगे। जैसे कॉलेज, अब कॉलेज का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, क्यों ये जो अ है तो ये क्या है आगत ध्वनि है तो इसको मैं कैसे लिखेंगे क जमा, अब इसमें मात्रा कौन सी लग रही है आगत ध्वनि की तो यहाँ पे आगत ध्वनि लिखेंगे अ जमा ल जमा ए, क्योंकि ल में ए की मात्रा लग रही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए जमा ज जमा अ, क्योंकि ज में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा अ। इसी तरह से हॉल, हॉल में वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे ह जमा, इसमें भी आगत ध्वनि का प्रयोग किया गया है तो अ जमा ल, ल में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अ ल जमा ए। तो हमने ये आगत ध्वनि को हमने समझा। आगे देखेंगे हम रू तथा रू के अंतर को समझना, तो हम रू और रू के अंतर को हम समझेंगे कैसे। जैसे रुपया, पैसा होता है रुपया तो उसमें र में र के बीच में लगती है मात्रा तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो हम किस किस तरह से हम इसके वर्ण विच्छेद करेंगे
र जमा छोटे उ की मात्रा कहते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटा उ। तो र जमा उ जमा प जमा अ जमा य जमा आ, क्योंकि य में अ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ। इसी तरह से रूढ़, रूढ़ में बड़े उ की मात्रा लगी हुई है, इसको हम बड़ी उ की मात्रा कहेंगे। तो इसको कैसे करेंगे वर्ण विच्छेद, र जमा बड़ा उ जमा ड जमा ए। तो हमने इसमें रू तथा रू के अंतर को हमने समझा, ठीक है। आगे हम देखते हैं री एवं री के अंतर को हम समझेंगे। जैसे ऋतु, अब ऋतु में री तो यहाँ पर है तो इसके आगे कोई स्वर नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद ही एक स्वर है री। तो री जमा त, हलंत लगाया हमने त, जमा मात्रा कौन सी लग रही है इसमें, ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊ यानी ऋतु। इसी तरह से री रिक्त, तो रिक्त का वर्ण विच्छेद हम करेंगे र, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है और मात्रा कौन सी लगी है, छोटी ई की, तो हम र जमा छोटे ई लिखेंगे, ई जमा क, आधा इसमें त आ रहा है तो क जमा त जमा ए। तो हमने ये री एवं री के अंतर को हमने समझा। आगे हम र के रूपों को समझेंगे कि र के कैसे रूप होते हैं और क्या क्या रूप होते हैं। जैसे वर्षा, अब वर्षा में व, क्योंकि व में अ स्वर जोड़ेंगे तभी ये पूरा होता है। अब हमें कि वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, व जमा अ जमा र, क्योंकि उसमें र के ऊपर मात्रा आ रही है जिसको हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था रैफ की मात्रा, इसको जो ऊपर लगती है इसको हम रैफ की मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे र जमा, अब शय में कौन सी मात्रा है, आ की, तो जमा आ, ये हो गया वर्षा। इसी तरह से प्रकाश, प्रकाश में प जमा र, क्योंकि इसमें नीचे तिरछी लाइन है तो प्र, तो प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा ए, तो ये क्या हुआ, प्रकाश। इसी तरह से राष्ट्र, राष्ट्र में र जमा अ की मात्रा है इसमें तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जमा आधा श है तो यहाँ पे श जमा ट भी है तो यहाँ पे ट जमा र, क्योंकि इसमें नीचे र की मात्रा लगी हुई है तो र जमा ए, तो ये हो गया राष्ट्र। तो हमने र के रूपों को हमने समझा। आगे इसी तरह से हम अन्य उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कमल, अब कमल में कोई मात्रा नहीं है लेकिन ये किस तरह से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, क जमा अ, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है तो क में हलंत लगाया, ये अधूरा है तो उसके इसमें हम आगे अ लिखेंगे, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा ए, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें क्या सब में अ आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है धर्म, धर्म में ध में मात्रा नहीं है तो ध में ए लगाएंगे, ध जमा अ जमा, अब इसमें भी र के ऊपर मात्रा लगी रही रैफ की तो र जमा म जमा ए, ठीक है। इसी तरह से रंग, रंग में ऊपर अंग की मात्रा है तो किस तरह से लिखेंगे, र जमा अंग जमा ग जमा ए। अब देखिए चांद, अनुनासिक शब्द में आ गया ये चांद, तो किस तरह से लिखेंगे, च जमा अंग जमा द जमा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रम, क्रम में नीचे तिरछी लाइन है तो क जमा र जमा ए जमा मैं जमा ए। आगे देखिए ट्रक, ट्रक में नीचे दो लाइन है तो इसको कैसे लिखेंगे, ट जमा र, क्योंकि र की मात्रा है नीचे तो र जमा अ जमा क जमा ए, ओके। नीचे देखते हैं कौरव, कौरव में क में ओ की मात्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे क जमा
ओ जमा र जमा अ जमा व जमा ए। आगे देखिए अभिनय, अभिनय में भ में छोटी की मात्रा लगी है तो किस तरह से लिखेंगे अ, क्योंकि अ खुद ही एक स्वर है तो इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, तो ये अ जमा भ में छोटी की मात्रा लगी है तो भ जमा ई जमा न जमा अ जमा य जमा ए। ठीक है, ऋषि, ऋषि में ऋषि भी री भी एक स्वर है तो इसमें भी मात्रा नहीं लगेगी तो ये री जमा श में कौन सी मात्रा है छोटी की तो यहाँ लिखेंगे ई, ये हो गया ऋषि। अब है आगे मौल, तो मैं जमा ये आगे ध्वनि है क्योंकि इसमें म आ गया मौल, तो मैं जमा अ जमा ल जमा अ। ओके, नेक्स्ट है नेहरू, नेहरू में न में एक ही मात्रा है ऊपर तो न जमा ए जमा है जमा अ जमा र जमा र में मात्रा कौन सी है बड़े ऊ की है तो ये ऊ, तो ये हो गया नेहरू। आगे देखिए कोयल, क में ओ की मात्रा है तो ये हो गया क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा ए। तो ये हमने उदाहरण देखे और समझे। अब देखिए वर्णों, व्यंजन वर्णों की अपनी मूल स्वरूप में अ स्वर अंतर्निहित होता है परंतु किसी मात्रा के लगने पर यह अंतर्निहित अ हट जाता है। इसमें भी कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं, जैसे कमल, कमल में हम ये हमने अभी देखा क, क्योंकि इसमें अ है तो अब जब इसको हम जमाएंगे अक्षरों को तो ये अ जो है वो अंतर्निहित यानी कि अपने आप हट जाता है और ये कमल बन जाता है। जैसे क जमा अ जमा मैं जमा अ जमा ल जमा ए। ठीक है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे ना तो ये अ जो है वो अंतर्निहित हो जाएगा, मतलब इसके अंदर चले जाएगा, ये दिखेगा नहीं, तो ये हो गया कमल। अब इसी तरह से नाना, अब नाना में दोनों में आ की मात्रा लगी है तो ये हो गया न जमा आ जमा ने जमा आ, तो ये हो गया नाना। पाप, पाप में प में आ की मात्रा है और प में अ है तो प जमा आ जमा प जमा ए, तो ये हो गया पाप। किताब में देखिए क में छोटी की मात्रा है और त में आ की मात्रा है तो इसको कैसे लिखेंगे क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा ए, ये हो गया किताब। इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद किया। अब देखिए चीनी, अब चीनी में दोनों में बड़ी की मात्रा लगी है तो इसको लिखेंगे च जमा ई जमा न जमा ई, तो ये क्या हुआ चीनी। नेक्स्ट है दुख, द में ऊ की मात्रा है तो ये हो गया द जमा ऊ जमा ख जमा अ, तो ये क्या हुआ दुख। दूर, दूर में बड़े ऊ की मात्रा है तो इसको कैसे लिखेंगे द जमा ऊ जमा र जमा ए। अब देखिए खेल, खेल में एक ही मात्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे ख जमा ए जमा ल जमा ए, तो ये क्या हुआ खेल। इसी तरह से तैयार, तैयार में एक ही मात्रा है तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे त जमा ए जमा य जमा आ जमा र जमा ए, तो ये क्या हुआ तैयार। आगे देखिए सोना, स में ओ की मात्रा है और न में आ की मात्रा है तो ये हो गया स जमा ओ जमा न जमा आ, तो ये क्या हुआ सोना। इसी तरह से कौशल, तो कौशल में क में ओ की मात्रा है तो ये हो गया कौशल, तो क जमा ओ जमा श जमा ए जमा ल और जमा ए, तो ये क्या हुआ कौशल। ठीक है, नेक्स्ट है री की मात्रा के कुछ उदाहरण। अब कृषि, कृषि में ये री लगा हुआ है, री की मात्रा है तो इसको और श में छोटी की मात्रा है तो इसको कैसे लिखेंगे क जमा री जमा श
जमा ई। इसी तरह से ग्रह, ग्रह में भी री की मात्रा है, तो ग जमा री जमा है जमा ए। इसी तरह से सृजन, सृजन में स जमा री जमा ज जमा अ जमा न जमा ए, तो ये क्या हुआ, सृजन। अब संयुक्त व्यंजन के भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। श, श, तो क श किससे मिलके बना है, तो क जमा श जमा ए, तो ये क्या बन गया, क्ष। आगे देखिए क्षमा, क्षमा में भी किस तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे, क जमा श जमा अ जमा मैं और जमा आ, तो ये क्या हुआ, क्षमा। अब त्र, त्र किस तरह से बनता है, त्र में त जमा र जमा ए, तो ये क्या बन गया, त्र। अब इसका हम शब्द बनाएंगे, शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे चित्र। अब चित्र का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, च में ई की मात्रा है और त्र हमने देखा किस तरह से बनाते हैं, तो च जमा ई जमा त जमा र जमा ए, तो ये हमने इसका चित्र का वर्ण विच्छेद किया। आगे देखिए ज्ञ, ज्ञ किस प्रकार बनता है, ज जमा ण जमा ए, तो ये क्या हुआ, ज्ञ। अब इसका हम बनाते हैं यज्ञ, तो यज्ञ का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, य जमा अ, तो ये तो यह हो गया। अब ज्ञ कैसे बनाया था, जमा ज जमा ण जमा ए, तो ये हो गया यज्ञ। अब देखिए श्रय, श्रय में दो व्यंजन है, तो यानी श जमा र जमा ए, तो ये मिलकर क्या बनेगा, श्रय, क्योंकि बोलने में ही श और र आ रहा है, तो ये हो गया श्रय। अब इसका हम शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, श्रम, तो श जमा र जमा ए जमा मैं जमा ए, ठीक है। आगे देखिए द्वित्व व्यंजन अथवा संयुक्त व्यंजन का हम प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे अमावस्या, इसमें द्वितीय व्यंजन भी है और संयुक्त व्यंजन भी है, जैसे अ, ए में खुद स्वर है, तो अ जमा मैं जमा आ जमा व जमा अ। अब देखिए शा, तो स को कैसे लिखेंगे, जमा स जमा य और जमा आ, तो ये हो गया अमावस्या, तो स जमा य जमा आ, ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए समस्त, समस्त में भी स जमा ए जमा मैं जमा ए जमा स जमा त जमा ए, तो ये हो गया समस्त। ये हमने द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का हमने प्रयोग किया। देखिए अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं, संबंध, तो संबंध में अनुस्वार है, यानी कि अंक की मात्रा ऊपर है, तो इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, स, स में अंक की मात्रा है, तो लिखेंगे यहाँ पे जमा अंग जमा ब जमा अंग जमा ध जमा ए, तो ये हो गया संबंध, यानी कि स में और ब में अनुस्वार है, क्योंकि अंक की मात्रा है, तो यहाँ पे अंग का प्रयोग किया है। इसी तरह से आनंद, आनंद में न में अंक की मात्रा है और आ खुद ही एक स्वर है, तो यहाँ पे आ जमा न जमा अंग जमा द जमा ए, तो ये हो गया आनंद। अब इसी तरह से अनुनासिक का भी हम प्रयोग करते हैं, अनुनासिक में सांप, यानी इसमें चंद्र बिंदु है ऊपर, यानी सांप, तो सांप में स जमा अ अंग जमा प जमा ए, तो ये क्या हुआ, सांप। इसी तरह से र के विभिन्न रूप हम देखेंगे, क्रम, यानी क जमा र जमा ए जमा मैं जमा अ, तो ये हो गया क्रम। पर्वत, अब पर्वत में व में ऊपर रेफ की मात्रा है, तो प जमा ए जमा र जमा व जमा ए जमा त जमा ए, तो ये हो गया पर्वत। देखिए पर्वत में रेफ की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे र को लाल किया है, तो ये हो गया पर्वत। देखिए ट्रक, अब ट्रक में र और ए, तो ट जमा र जमा ए जमा क जमा ए, तो ये क्या बन गया, ट्रक। इसी तरह से र पर,
ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। आगे देखिए, रुक, रुक में छोटे ऊ की मात्रा है, जैसे हमने अभी पढ़ा, तो रुक में र जमा ऊ जमा क जमा ए, तो ये क्या हुआ, रुक। इसी तरह से रूप, अब रूप में ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसकी वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, र जमा ऊ जमा प जमा ए, तो ये हो गया रूप। अब देखिए रूप, रू ये है र पर छोटे ऊ की मात्रा का रूप है, और ये रू यहाँ पर र पर बड़े ऊ की मात्रा का रूप है, तो ये दोनों मात्राएं हमने समझी। आगे आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।